खरगोन जिले के गावसन में आज आचार्य श्री 1008 राकेश प्रसाद जी महाराज वड़ताल गुजरात ट्रस्ट की ओर से रथ का आगमन गावसन में हुआ, जहां समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी में पूजा पाठ आरती कर संतों का सम्मान किया गया। यह रथ यात्रा वड़ताल गुजरात से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश के कुक्षित जिले से होते हुए खरगोन जिले से होकर इंदौर से झाबुआ गुजरात तक चलेगी, जिसमें गांव-गांव जाकर सभी भक्तों को स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल गुजरात ट्रस्ट की ओर से 7 से 15 नवम्बर 9 दिन महा उत्सव होने जा रहा है, जिसमें सादर आमंत्रित होने का आमंत्रण दे रहे हैं। यह मंदिर 80 से 90 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। यहाँ ट्रस्ट द्वारा निशुल्क हॉस्पिटल, गौशालाएं, कन्यादान, वस्त्रदान, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ विकलांग बच्चों को निशुल्क कृत्रिम अंग भी दिए जा रहे हैं। वहीं गावसन में नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा रावण बनाया गया। सभी ग्रामवासी श्री राम मंदिर दर्शन करते हुए शिव मंदिर के पास रावण दहन कर दशहरा जीतने के लिए निकले। समस्त ग्रामवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। गावसन से गोलू पाटीदार की रिपोर्ट। आप सत्य प्रकाश स्वामी जी का सम्मान करें। राधेश्याम भाई पाटीदार, आप भी आए। स्वामी जी, आपकी ये रथ यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ समापन होगा? ऐसे तो स्टार्ट वड़ताल से हुए 3 रथ, एक 2 रथ गुजरात में है, एक ये रथ महाराष्ट्र होके मध्य प्रदेश आया है। कुक्षी धार जिला बड़वानी जिला में होके फिर खरगोन जिला में वापस रथ आया। वहाँ ठिकरी से लेके हथोला से लेके खरगोन वगैरह करीब करीब 30-40 गांव में इंजीनियर श्री राधेश्याम भाई पाटीदार के माध्यम से गांव-गांव घूमे। अभी गावसन आए हैं, फिर बरूड जाएंगे, फिर रोमचिचली जाएंगे और आखिरी बैजापुरा, वहाँ रात्रि रुकाम होगा। उसके बाद भी और यात्रा करते करते आमंत्रण देते देते हम इंदौर जाएंगे, फिर वहाँ से झाबुआ जिला में होके आगे गुजरात में जाएंगे। वड़ताल में भव्य लगभग 80-90 करोड़ के लगत से श्री लक्ष्मी नारायण देव महामहोत्सव होने वाला है। उसमें आशीर्वाद है परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज श्री के। वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड कमेटी की ओर से ये आयोजन हुआ है। ब्रह्मनिष्ठ संतों इसमें लगे हैं और गुजरात के और देश विदेश के कई भक्तों के बहुत बड़े सहयोग से ये उत्सव हो रहा है। करीब करीब 500 एकड़ में ये उत्सव होने वाला है। 5000 स्वामीनारायण टेंट सिटी में रहने के लिए छोटे छोटे टेंट बनेंगे, 10-10 लोगों आ जाए इसे, और सारी बहुत सारी सुविधा है। इस उत्सव में कथावार्ता होने वाली है, यज्ञ यागादि होने वाला है, महापूजा होने वाली है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, दिव्य प्रदर्शन है, आनंद मेला है, हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि होने वाली है। गुजरात के मुख्यमंत्री और कई मंत्रीगण वहाँ आएंगे और कई महानुभाव भी करीब करीब शायद हमारे गृह प्रधान भी भारत देश के ये उत्सव में आएंगे, ऐसा अनुमान है। उन्होंने बताया शक्य हो तो आऊँगा। और संत सम्मेलन भी है, भारत देश के सारे संतों का सम्मेलन भी होगा। और वड़ताल मंदिर की ओर से बहुत बड़ा आयोजन, निःशुल्क हॉस्पिटल चल रही है, बड़ी अच्छी गौशाला चल रही है, अन्नदान हो रहा है, वस्त्रदान हो रहा है, पादुका दान भी हो रहा है और समूह लग्न भी हो रहा है और बहुत सामाजिक इतने कार्यक्रम। जो लंगड़े लूले हैं उनको पैर भी देते हैं वड़ताल मंदिर की ओर से बिना मूल्य। नेत्र यज्ञ भी चल रहा है, वड़ताल मंदिर की हॉस्पिटल भी चल रही है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी एक उज्जैन में नेत्र हॉस्पिटल है, वो भी बहुत रिजनेबल रेट से है। और वड़ताल तो टोटली फ्री कैशलेस
चल रहा है, इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय का हेड स्थान वड़ताल गादी स्थान है। वहाँ लक्ष्मीनारायण देव की, स्वामीनारायण भगवान ने स्थापना की, हरि कृष्ण महाराज की स्थापना की, और बड़ा बहुत भगवान स्वामीनारायण का दिव्य और भव्य धाम है। तो हम आमंत्रण कर रहे हैं, सभी भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं कि 7 नवंबर से 15 नवंबर तक 9 दिन का महामहोत्सव होने वाला है। तो ये उत्सव का लाभ लेके अपना जीवन धन्य बनाए और मनुष्य जन्म पावन करे, ऐसी सभी भक्तों से हमारी प्रार्थना के साथ विनंती है और आमंत्रण है वड़ताल मंदिर की ओर से। तो प्यारे भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ये उत्सव का लाभ लेके अपना जीवन धन्य बनाए। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। जय श्री स्वामीनारायण। के बीच में रथ आमंत्रण देने के लिए जा रहा है, उसी के फलस्वरूप आज ग्राम गावसन में भी इस रथ यात्रा के माध्यम से आमंत्रण देने के लिए हमारे चारों संतों के साथ में रथ ने आगमन किया है। इस रथ के साथ में हमारे प्रमुख स्वामीनारायण पंत के प्रवक्ता के रूप में स्वामी सूर्य प्रकाश शास्त्री जी हैं, प्रखर भागवत कथा के और राम कथा के और हनुमान कथा के वक्ता स्वामी सत्य प्रकाश स्वामी जी हैं। रथ के साथ में वड़ताल से ही चेतन स्वामी हैं और ऐश्वर्या स्वामी जी हैं, जो स्वयं ने मंदिर बनाया था वड़ताल धाम में। आज से 200 साल पहले जब स्वामी जी थे तो उन्होंने खुद अपने हाथों से मंदिर का वड़ताल धाम में निर्माण किया स्वामीनारायण भगवान का। और ये देश में नहीं विश्व में पहला ऐसा मंदिर है जिसमें हम भगवानों के मंदिर तो बनाते हैं, सभी देवताओं के मंदिर बनाते हैं, परंतु स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं ने इस मंदिर का निर्माण किया और अपने खुद का जो स्वरूप है वो उस स्वरूप को ने स्वामीनारायण भगवान का स्वरूप है। और उसी का 200 साल होने के उपलक्ष्य में निमाड़ से लेकर पूरे देश में रथ यात्रा पिछले 3 महीने से चल रही है और उसी तारतम्य में भगवान की। जरा जोर से बोलो कि खिचड़ी नहीं मिली। बोलिए अम्बे मात की। स्वामीनारायण भगवान के साथ ही लक्ष्मीनारायण देव रथ के माध्यम से आप लोगों के बीच में आए हैं। रथ को लेकर के हमारे बीच हमारे चारों संत वड़ताल धाम के यहाँ पधारे हैं भगवान के दर्शन के साथ साथ हमें संतों के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।